morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic, actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Next, in English class, in English grammar class, you will study here models topic. Models auxiliaries you have studied here. Fill in the blanks with suitable models. I have taught you models chapter. We shall do exercise here today. First, Ajit is so fat that he not sit properly. You can see here, Ajit is so fat. Ajit इतना मोटा है that he can not sit properly. कि वह ठीक से बैठ नहीं सकता. So we shall use here can, because the sentence is given in present, is. और so लगा है तो so के साथ अगर that लगा होता है, यहाँ so का अर्थ कितना है, अजीत इतना मोटा है, that मतलब कि that he cannot sit properly, कि वह ठीक से बैठ नहीं सकता. यहाँ present है, is, इसलिए आपने यहाँ पर can का यूज़ किया है. नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक एनी मोर. यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया क्योंकि हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर वाज है पास्ट में और इसमें भी सो आया है. तो ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक एनी मोर. हियर सेंटेंस इज गिवन इन पास्ट. नेक्स्ट सेंटेंस थ्री, You like to have a cup of coffee. Here, you can understand. ऐसा sentence जिसमें किसी से कोई चीज़ पूछा जाता हो तो उसके लिए आप लास्ट में देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है. जब किसी से हम कोई चीज़ पूछते हैं और इसमें पहला वर्ड आपको यू मिलता है स्पेशली, तो समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले कुड का प्रयोग करना चाहिए. कुड या कुड, कुड या कुड में से कोई हो सकता है. कुड को हम प्रेफर करते हैं. कुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी. अगर कहीं सेंटेंस में विल लिखा है तो विल भी लिख देते हैं लोग, लेकिन अगर विल और वुड दोनों दिया है तो आप वुड का ही यूज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस, वर्क सिंसियरली. वर्क को मतलब कार्य को सिंसियरली मतलब गंभीरता से करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू फेल, तुम असफल हो जाओ. तो ध्यान रखिएगा जिस सेंटेंस में हमने आपको पढ़ाए हैं कि लेस्ट का यूज करते हैं, लेस्ट मतलब होता है क्या, कहीं ऐसा ना हो. लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो. वर्क सिंसियरली, वर्क को गंभीरतापूर्वक करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू फेल, यू शुड फेल. यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ. लेस्ट के साथ आप जानते हैं मॉडल्स शुड का ही यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, शुड का ही यूज करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस फाइव, इंडियन सोल्जर्स ब्लैंक प्रोटेक्ट देयर ओन कंट्री. इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिक, भारत के सैनिकों को प्रोटेक्ट मतलब रक्षा अपने वतन की, अपने देश की क्या होनी चाहिए, करनी चाहिए. तो चाहिए के लिए तो शुड भी लगता है, ऑट टू भी लगता है, मस्ट भी लगता है. यहाँ क्या होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट यू, मस्ट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन फॉर स्पेशल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पर यह ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कि इंडियन सोल्जर्स को वतन की रक्षा करनी चाहिए, तो अवश्य करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर यूज क्या यूज करेंगे, मस्ट. सिंपल के लिए शुड करते हैं और डिडक्टिक साधारण बातों के लिए, शिक्षाप्रद बातों के लिए आर्ट टू का यूज करते हैं. सेंटेंस सिक्स, द स्टूडेंट वर्कड हार्ड सो दैट ही बी ए जज. विद्यार्थी कठोर मेहनत किया, सो दैट का अर्थ मतलब जिससे कि, ताकि ही बी ए जज, जिससे कि वो न्यायाधीश हो सके. सो दैट फॉर पर्पज सो करता है, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं. तो सो दैट ही माइट बी ए जज, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइट, माइट बी अ जज. यहाँ अगर प्रेजेंट पास्ट में है वर्कड, इसलिए हमने यहाँ पर माइट किया है. अगर यहाँ पर हमने, यहाँ पर वर्क्स होता
यानी कि प्रेजेंट में अगर होता तो यहाँ पर भी हम सो दैट के साथ यहाँ मे का यूज करते हैं। तो सो दैट का अर्थ होता है जिससे कि या ताकि। द स्टूडेंट वर्कड हार्ड, कठिन विद्यार्थी स्टूडेंट ने कठोर परिश्रम किया, सो दैट जिससे कि ही माइट बी ए जज, जिससे कि वो न्यायाधीश हो सके। नेक्स्ट सेंटेंस 7, इट रेन हैवली टूडे, आज भारी वर्षा हो सकती है, मतलब जोरदार वर्षा हो सकती है, घनघोर वर्षा। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है, या ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि बारिश हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए आपको बताए थे हम, पी क्यूब हमने बताया था, पी क्यू आप याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पर्पस, ये तीनों का यूज जो होता है इसमें, आपको बताया था कि मे और माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, इट मे रेन हैवली टूडे, आज भारी वर्षा हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट 8 सेंटेंस, आई हैव सफिशियंट टाइम्स, मेरे पास पर्याप्त समय है, सो यू इसलिए वरी, इसलिए तुम्हें क्या है, मेरे पास पर्याप्त समय है, समझिएगा, मेरे पास पर्याप्त समय है, सो यू वरी, इसलिए तुम्हें चिंता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉडल्स में नीडेंट का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, नीडेंट, नीडेंट वरी, आई हैव सफिशियंट टाइम सो दैट यू नीडेंट वरी, मेरे पास पर्याप्त समय है इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन अ फ्यू सेंटेंसेस एंड यू विल डू ऑल्सो सेवरल एक्सरसाइज एट होम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल स्टडी हियर केयरफुली द चैप्टर। ओके, थैंक्स।